जब केंद्र ने इनकी खिंचाई की है तो बेवजह मुद्दा बना करके 26 लाख बेरोजगारों के साथ में कुटाराघात कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हम सब कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रश्न पत्रों में नकल की बातें, आउट होने की बातें, ये सारे देश के अंदर हर स्टेट के अंदर होती रही हैं। जब जो सरकार रही है उसने समय समय के ऊपर अपने हिसाब से कार्रवाई की है, कानून के हिसाब से कार्रवाई की है। केवल राजस्थान में इस रीट के मुद्दे को लेकर के प्रतिपक्ष इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहा है कि कोई भी ऐसा मुद्दा इनको 3 साल में पहली बार मिला नहीं पूरे प्रदेश में। दूसरी बात, सीबीआई की एजेंसियों का जिस प्रकार से पूरे देश में ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग करना और पेगासस के आधार पे जासूसी करना, ये आम बात हो गई है। मैं समझता हूं कि जो बीजेपी का राज था उसमें कितनी भर्तियों के पेपर आउट हुए, चाहे वो रीट की बात हो 2016 की बात हो, टेट की बात, इसको रीट 2018 की बात हो, जेल प्रहरी की बात हो, कृषि पर्यवेक्षक की बात हो, सेकंड ग्रेड की बात हो, तमाम के ऊपर परीक्षाएं रद्द की। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का यहां शासन था और केंद्र में था। अगर इनकी मंशा ठीक होती तो ये लोग बाग उसी वक्त ये कहते कि भाई ये हर परीक्षा में नकल हो रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, तो इसकी जांच पूरी सीबीआई से करवा करके इनके पास में एक ऑप्शन था कि पूरे के पूरे तरीके से ये इस मामलों को खुलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं खुलवाया। आज जब हमारी सरकार के समय में